दोस्तों पिछले वीडियो में सैमसंग के TU 8000 के 43 इंच 4K वेरिएंट का हम लोग ने डिटेल में रिव्यू किया था और उसके बॉक्स कंटेंट को भी देखा था, और आज के वीडियो में उसी टीवी पे हम लोग बहुत सारी टेस्टिंग करने वाली है, जैसे कि उसमें चेक करेंगे क्या उसमें बैकलाइट ब्लीडिंग है या नहीं, अगर आप पेनड्राइव से कंटेंट प्ले करो तो कौन कौन से फॉर्मेट प्ले होते हैं इस टीवी में, साथ ही साथ यहाँ पे क्रोमकास्ट और स्क्रीन मिररिंग किस ढंग से काम करता है। तो ये बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाला, बहुत सारी टेस्टिंग होने वाली इस वीडियो में, और आपके सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड जरूर देखना, लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, टर्ना। शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों यहाँ पे TU 8000 के 43 इंच वेरिएंट पे टेस्टिंग करना शुरू करते हैं, और सबसे पहला टेस्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे बैकलाइट ब्लीडिंग का, चेक करते हैं कि इस टीवी में कोई बैकलाइट ब्लीडिंग है या नहीं। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक बैकलाइट ब्लीडिंग टेस्ट ऑन कर दिया है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे वाइट वाले बॉक्स में, जो वाइट स्क्वायर बॉक्स है उसमें आपको ध्यान से देखना है कि वहाँ पे कोई भी लाइट फ्लैश या फिर कुछ अलग कलर तो नहीं दिख रहा है, जिससे हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे कि इसमें इस टीवी में बैकलाइट ब्लीडिंग है या नहीं। जस्ट यहाँ पे आप फोकस कीजिए जो वाइट पार्ट है, बाकी जो बाहर से सनलाइट आ रही है उस पे ध्यान मत दीजिए, वो बैकलाइट ब्लीडिंग का प्रॉब्लम नहीं है, वो ब्राइटनेस लो है इस पैनल में, इसके वजह से हो रहा है। तो दोस्तों बैकलाइट ब्लीडिंग के मामले में ये टीवी में मुझे कुछ भी ऐसा बैकलाइट ब्लीडिंग कोई भी प्रकार से नहीं मिला, मैंने और भी वीडियोस प्ले किए चेक करने के लिए कोई भी बैकलाइट ब्लीडिंग है या नहीं, तो इस टीवी में तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। तो आप इस टीवी के लिए टेंशन फ्री हो जाइए इस सीरीज में। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे स्क्रीन मिररिंग को लेके, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये टीवी में आती है 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, और ये बहुत ही लिमिटेड टाइम है, और इसके बाद अगर टीवी ख़राब हो गई तो आपको बहुत ही महंगा कॉस्ट उठाना पड़ेगा आपकी टीवी को रिपेयर कराने के लिए। और इसी चीज़ का ध्यान में रखते हुए हमने कोलैबोरेट किया है गो वारंटी के साथ, जो आपको एक्सटेंडेड ब्रांड वारंटी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे जो गो वारंटी के एक्सटेंडेड प्लान है बहुत ही बजट फ्रेंडली है, एक इंडियन कस्टमर का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखा गया है। यहाँ पे सिर्फ टेलीविजन ही नहीं, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, जैसे एयर कंडीशन, वॉशिंग मशीन, साउंड बार, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट है, हर चीज की एक्सटेंडेड वारंटी आपको मिल जाएगी गो वारंटी के वेबसाइट पे। जहां तक सवाल है गो वारंटी के सर्विस के बारे में, तो यहाँ पे आपको कोई भी पेपर वर्क की जरूरत नहीं है, साथ ही साथ यहाँ पे जो हैजल फ्री एक्सपीरियंस होता है वो यहां पे ट्रूली डिफाइन किया गया है, जहां पे अगर इनके रिप्रेजेंटेटिव घर पे आते हैं और रिपेयर नहीं होता तो आपको होम पिकअप और होम ड्रॉप की भी फैसिलिटी दी गई है। तो दोस्तों एक्सटेंडेड वारंटी के लिए गो वारंटी को जरूर चेकआउट कीजिए, इसकी जो बाइंग लिंक है और बाकी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अब यहां पे आगे बढ़ते और बात करते हैं हमारे स्क्रीन मिररिंग के टेस्ट के बारे में। दोस्तों यहाँ पे मैंने मिरर कर लिया है फ़ोन को टीवी से, और स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन दिया गया है टीवी में, वहीं से कनेक्ट करना है, दैट्स इट। और यहाँ पे आप लोग देख लो कि कोई भी लैग जो है बहुत निग्लिजिबल लैग है, मतलब आई डोंट थिंक कितने मिली सेकेंड्स का होगा। तो यहाँ पे स्क्रीन मिररिंग प्रॉपर चल रहा है, आप खुद देख सकते हो। यहाँ पे एक मैंने YouTube का वीडियो भी प्ले किया स्क्रीन मिररिंग के थ्रू, और आप देख सकते हो किस ढंग से वो परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों हम सभी ने देखा कि यहाँ पे स्क्रीन मिररिंग बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है, YouTube का वीडियो भी प्ले करके देखा और वहाँ पे बहुत ही नेग्लिजिबल लैग है, आई थिंक वो आसानी से अवॉइड किया जा सकता है। और अब यहाँ पे बात करें क्रोमकास्ट के फीचर के बारे में, तो यहाँ पे आपको क्रोमकास्ट का भी ऑप्शन देखने मिल जाएगा। एंड नाउ लेट्स कनेक्ट पेन ड्राइव इन द टीवी एंड लेट्स सी कि इसमें कौन कौन से फॉर्मेट्स प्ले होते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक MKV फॉर्मेट का वीडियो है, MP4 भी है, और कुछ इमेजेस भी है, तो आप खुद ही देख लीजिए कि यहाँ पे वो फॉर्मेट्स चलते हैं या नहीं।
दोस्तों हम सभी ने देखा यहाँ पे कि जो पॉपुलर फाइल फॉर्मेट्स होते हैं वीडियो के लिए वो बहुत ही अच्छी तरह से प्ले हो रहे हैं, कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे मैं डिफॉल्ट मीडिया ऐप यूज कर रहा था इस फाइल्स को ओपन करने के लिए, यहाँ पे मुझे कुछ एक्सटर्नल ऐप की जरूरत नहीं पड़ी। और दोस्तों अगर आप लोग सोच रहे हो कि इस टीवी की अपस्केलिंग कैसी है, तो यहाँ पे मैंने एसडी कंटेंट भी प्ले करके देखा सेटअप बॉक्स से, और वहाँ पे कंटेंट बहुत ही अच्छी तरह से प्ले हो रहे, आप खुद ही देख लीजिए। तो यहाँ पे अपस्केलिंग के मामले में भी ये टीवी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पे बात करें इस टीवी के पिक्चर क्वालिटी के बारे में, तो इसके लिए मैंने पिक्चर क्वालिटी और साउंड टेस्टिंग का मैंने डिटेल रिव्यू किया था, ऊपर मैं लिंक कर दूंगा, उसको आप जरूर चेकआउट कीजिए, वहाँ पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यहाँ पे अगर मैं उस पिक्चर क्वालिटी को समराइज करूँ तो पिक्चर क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है इस टीवी की, कलर्स बहुत ही नेचुरल और रिच देखने मिलेंगे, कलर रिप्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे ये टीवी आती है वीए पैनल के साथ, तो व्यू एंगल्स थोड़ा सा मार खाना पड़ेगा, लेकिन काफ़ी हद तक व्यू एंगल्स अच्छे लगे मुझे इस टीवी के। हालांकि पिछले साल की जो टीवी थी सैमसंग की उसमें व्यू एंगल्स उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन इस साल की टीवी में व्यू एंगल्स बहुत ही बढ़िया है। और अब एक बार झलक डालते हैं सैमसंग के ऐप स्टोर के ऊपर, तो ये सारी लिस्ट है ऐप्स की जो आपको देखने मिल जाएगी सैमसंग के स्टोर में, और यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड ऐप्स होते हैं अगर मैं कंपेयर करूँ एंड्रॉयड टीवी से, जहाँ पे आपको भर भर के ऐप्स मिलते हैं। तो यहाँ पे टाइजन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सैमसंग का प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यहाँ पे आपको बहुत ही लिमिटेड ऐप्स देखने मिलेंगे। दोस्तों इतनी सारी टेस्टिंग करने के बाद अगर आप मेरा कंक्लूजन लोगे इस टीवी के बारे में, तो मैं ये टीवी डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इसकी पिक्चर क्वालिटी साउंड और बहुत सारे स्मार्ट फीचर्स के साथ आ रही है। एम्बिएंट मोड का फीचर मैंने पर्सनली ट्राई किया और काफ़ी अच्छा लगा, आपको डेडिकेटेड बटन भी मिल जाता है रिमोट के अंदर, और इसी के साथ ही साथ और भी स्मार्ट फीचर्स तो है ही इसी में। और अगर आपको ये टीवी बाय करनी है तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप परचेस कर सकते हो ऑनलाइन, ऑफलाइन का भी ऑप्शन मैंने अभी इस समय दिया है मुंबई वालों लोग के लिए, अगर आप मुंबई से देख रहे हो। और अगर आपको टीवी परचेस करनी है तो डिस्क्रिप्शन में इलेक्ट्रॉनिक शॉप का एड्रेस मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर लीजिए, आपको अच्छे डील्स वहाँ पर भी मिल जाएंगे। और इसी के साथ ही साथ इस टीवी में और भी वेरियंट्स हैं, तो पूरे वेरियंट्स और उसकी प्राइसिंग की लिस्ट आप देख सकते हो। और बाकी आपका क्या मानना है इस टीवी के बारे में, कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव या कोई भी राय हो तो ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में, कोशिश करेंगे आपके सारे सवालों को जवाब दूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, और जो लोग नए हैं अगर हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करने के बाद अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो फिर क्या दबाया, ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग, हैप्पी गाइड, बाय बाय। एंड यस डोंट फॉरगेट टू बाय एक्सटेंडेड वारंटी फ्रॉम Go Warranty.